माता रानी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट छिनालसौड़ ब्लॉक से बधाण गांव सीला रमोला। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज 10 बजे से हो रही है, यानी मैं सिलाई करने आ रखी हूँ यहाँ पर। आज लेकर आई हूँ आपके लिए नई उमंग, नई उम्मीद के साथ नई वीडियो। मेरे YouTube चैनल आप सबको नवरंगों से परिपूर्ण सर्दियाँ नवरात्रि को आपको सब परिवार द्वारा शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि इस बार हमारा नवरात्र भी नहीं है और श्राद्ध भी नहीं मनाया है हमने, क्योंकि हमारे परिवार के ही थे ससुर जी, उनको अटैक हो गया था, जवानी थे, बहुत बुरा लग रहा है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए हमारा इस बार त्यौहार नहीं है। चलो दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिलाई भी करना है, उसके बाद घास के लिए भी जाना है, तो फिर दिन का खाना भी बनाना है और शाम को बच्चे आएंगे, शाम को फिर से घास के लिए भी जाना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जन्मभूमि, जय माता दी। आज के लिए इतना ही है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में कल। स्वस्थ, आप स्वस्थ और मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड भूमि, जय माता दी। बाग देखी बा तुम ना तब तब ही नहीं आना। ये देखो आज हम इतने सारे लोग जा रहे हैं घास के लिए। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने परसों बाग भी देखभाल मालिक का शहर में, इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हैं। एक तो डर के मारे आ ही नहीं रहे आज घास के लिए मालिक का शहर। अभी 2-3 लोग और हैं, आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं आज मल्ली का सेहरा घास के लिए। पिछली बार भी बाघ तो लगी हूँ नीली, ये बार फिर लगी बाघ। अब मल्ली, बड़कोट, कुमराड़ा, बाघ ने अपना निवाला बना लिया। अच्छा पोहरा बैठी आग, हाँ कंधा थर पड़े तो दशरथ महाराज की आके दाँत और घुसण हो। ये देख अंसा लगा है आज। अच्छा हम आज एक सांप भी मिली पुआरा गए, कीड़ो मिले मुझे आज पुआरा यहाँ कब। हाँ अंसा लगा रखे दीदी की सब, दो भाई दाथरा पलियाने के लिए पैना करने के लिए दो सब दाथरा। यहाँ पे एक बार आ रखा है, यहाँ पे एक लोहार आ रखा है, लोहार है किन देना दाथरा घुसन ले तक बाघ। लोगों ने बाघ देखा है, तुम भी आते तो आ जाओ, लगा रहे तक लड़ाई लड़ाई गौ चिड़े गए, और तुम यहाँ अंसा है गौ चिड़े गए, लुकारे गौ चिड़े गए, और यहाँ पे अंसा बटिया बटिया के वरी। अरे तुम तो रोज आम से यार, तुम्हें न मिल दो बाघ है। सीमा माजिन देख बल पर से सच्ची, सीमा की माजिन देख बल बाघ पर से हम है वीडियो बना रहे हैं जी। अच्छा जब हम काम भी करना तो वीडियो नहीं बनाऊ है। हमारे उत्तराखंड की जिंदगी क्या, घास काटनो, डोखरा देखना, भैंसू गौड़ू है सब पाले हमारा, तो थोड़ा एक वीडियो भी हम बना ही दिया ला है। अब उत्तराखंडी पहाड़ी वीडियो तब कन हूँ, झील का देखने झील भी दिखाऊ दुआ। ये देखो ये दिन जोल दे तक तब दिखो
गांव डूबने वाला है, झील बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, थोड़ा सा रह रखा गांव में पानी आने के लिए। पेमेंट कर लो, बांध लो, मन कर लो। हम वहाँ ऊपर ऊपर क्या बोला भाई? हम से सरकार को भेजूंगे बल से सीधे। अब क्या बात है, वो ना हम डूब जाएंगे यही। डूब जाएंगे तो कौन करेगा यहाँ से रक्षा बाल? कौन करेगा? मलिक से आ रखे हम यहाँ डूब जाएंगे या तो हमारे पेमेंट कर दो बल सीधे, या तो वहाँ आएगा सरकार, वहाँ बैठे हो सरकार के जनता जनता आ जाएगी वहाँ तो सरकार के नेता लोग। हाँ नेता लोग हम घर चले जाएंगे सब। पपैनू करे छस लिया आज हम सांप सांप ना काटेल देता पण पहिली का फोरा पण सिम्मा की माजी बाग देखो, सिम्मा की माजी तो आई नहीं रही घास के लिए बिचारी, बाग लग रखा है। देखो ये दीदी घास ही निकाल दी, अभी शाम भी हो गई है, अंधेरा यही हो गया है। ये दीदी घास इकट्ठा कर रही है, मैंने कर रखा है दीदी का भी बांधने के लिए भी है। देखो यहाँ पे झील के पास हमारा गांव है, एकदम झील भी गांव के पास ही आ रखा है, इतना सारा पानी बढ़ चुका है। अगर बारिश और होगी तो और ज़्यादा पानी बढ़ सकता है। ये देखो एक दीदी उधर है जो थोड़ा सा दिख रही है। हाँ दीदी आएगी बस होएगी। अच्छा पूरी उन्नत ना तुम लगा बाहर, इस दीदी का घास नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा मुझे ही काटना पड़ेगा। हाँ दीदी अच्छा कहीं बटियान तो नहीं, दीदी का घास नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा मुझे काटना पड़ेगा। चलो दोस्तों अब जाते हैं हम सीधा घर बारह लगा के। और कैसे लगी आपको हमारी पहाड़ी वीडियो, लाइक कमेंट जरूर करना। आ गई दीदी लोग घसियारी, ये देखो कैसे बाहर लाते हैं। अभी एक दीदी नीचे है, नीचे से आ रही है।